नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो राइट हैंड साइड लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हिंदुस्तान की बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरीज और मूवी इस चैनल पर दिखाने वाले हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप मूवी के बारे में है। दोस्तों, हॉरर एक ऐसा जानवर है जिसमें अभी भी बहुत सारी खोज करना बाकी है। अचानक किसी मूवी में शीशे का टूट जाना, तेज साउंड का आना, एकदम से किसी का कैमरे के आगे आ जाना आम बात है। ये सब आप पहले किसी मूवी में भी देख चुके होंगे। धर्मा प्रोडक्शन ने पहली बार हॉरर में कदम रखा है और साथ ही ये विक्की कौशल की पहली हॉरर मूवी है। ऐसे में जाहिर है कि पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरना काफ़ी बड़ी चुनौती थी। विक्की कौशल और मेकर्स इस चुनौती को किस हद तक पूरा करते हैं, चलिए जानते हैं। सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म हकीकत का दामन थाम कर उड़ान भरती है और आपकी कल्पनाओं को उस आसमान तक लेके जाती है जहां सब कुछ आपको हकीकत लगने लगता है। एक हॉरर फिल्म के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। पहली ये कि फिल्म आपको डरा पाए और दूसरी ये कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये विचलित ना करें। विक्की कौशल की ये फिल्म दोनों पहलू पर मौजूद है। इस मूवी की कहानी क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। एक हादसे में अपनी छोटी बेटी और पत्नी को खो चुके पृथ्वी यानी विक्की कौशल अब मुंबई में अकेला रहते हैं और शिपिंग ऑफिसर की नौकरी करते हैं। पृथ्वी खुद को अपनी पत्नी और बेटी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए उनमें इस बात का गिल्ट हमेशा बना रहता है। वो हर वो काम करता है जिससे वो किसी बच्ची या औरत की मदद कर सकता है। पृथ्वी के दिमाग में यह ड्रामा इस हद तक है कि उसे अपनी पत्नी और बेटी दिखाई भी देने लगती है। वह डॉक्टर से इसका इलाज भी करवा रहा है लेकिन दवाइयां नहीं लेता, ताकि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसे हमेशा अपनी आँखों के सामने नज़र आती रहे। पृथ्वी का एक दोस्त रियाज भी है जो उसे हमेशा सपोर्ट करता है और बीच बीच में उसे रोकता टोकता रहता है, लेकिन पृथ्वी नहीं मानता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक दिन अचानक समुद्र के किनारे एक सुनसान जहाज सीबर्ड आकर खड़ा हो जाता है। सीबर्ड के बारे में तमाम किस्से हैं। इस जहाज के अचानक समुद्र के किनारे यूं आ जाने से मुंबई की जनता में खलबली मच जाती है, लिहाजा पृथ्वी की कंपनी पर इस जहाज को वहाँ से हटाने का दबाव बढ़ जाता है। जिम्मेदारी पृथ्वी पर आती है और वह जब जहाज का मुआयना करने के लिए उसके अंदर जाता है तो उसके साथ तमाम अजीब गरीब घटनाएं शुरू हो जाती है। पृथ्वी जब थोड़ी जांच पड़ताल करता है तो उसके सामने आती है रोंगटे खड़े कर देने वाली एक पहेली, जिसे वो सुलझाने में लग जाता है। पहेली सुलझने के साथ साथ और उलझना शुरू हो जाती है। पृथ्वी का बॉस अग्निहोत्री रिटायर होने वाला है और वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जहाज समुद्र तट से रफा दफा किया जाए। इस काम का जिम्मा वह पृथ्वी और उसके दोस्त रियाज को देता है। पृथ्वी जब उस जहाज में चेकिंग के लिए जाता है तो उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। उसे एक बार एक गुड़िया दिखाई देती है, वह डर जाता है, फिर भी बार बार जहाज के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक वीडियो टेप और कुछ दस्तावेज मिलते हैं। उसे लगता है कि जहाज में एक जिंदा इंसान फंसा है, वह उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है। इस काम में उसकी मदद करते हैं प्रोफेसर जोशी, आशुतोष राणा जी और रियाज। वह जहाज से जुड़ी सभी पुरानी जानकारियां इकट्ठा करते हैं और पता चलता है कि पूरे स्टाफ ने इसमें काफ़ी साल पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन एक महिला वंदना का कोई सुराग नहीं है। वह वंदना का पता लगाने की कोशिश करता है ताकि जहाज में फंसे उस इंसान को निकाला जा सके। कहानी आगे बढ़ती है तो वह वंदना का पता करते करते एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां पे पता लगता है कि वंदना अभी ज़िंदा है और वह उस शिप पे मरी नहीं थी। वंदना उन्हें पूरी कहानी बताती है कि किस तरह शिप का कैप्टन उस शिप के ऊपर गैरकानूनी धंधे किया करता था, ड्रग्स सप्लाई करता था और वंदना के साथ मारपीट किया करता था। इसी बीच वंदना की मुलाकात शिप पे काम कर रहे एक वर्कर से होती है, जिससे आपस में दोनों बहुत प्यार करने लग जाते हैं। दोनों साथ मिलकर
शिप पे हो रही स्मगलिंग की वीडियोग्राफी करते हैं और वहाँ से तुरंत भाग जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वो वर्कर वीडियो बनाता हुआ कैप्टन के द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे बहुत ही मारा पीटा जाता है और उल्टा लटका दिया जाता है। लेकिन कैप्टन को वह वीडियो और वे सबूत नहीं मिलते जो उसके खिलाफ बनाए जाते हैं। ज़्यादा पीटे जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वरना बताती है कि उस वर्कर की बेटी उसके पेट में थी, जिसका नाम मेरा था, जो जहाज पर ही लापता हो गई थी। विक्की कौशल यानी पृथ्वी बताता है कि जिस लड़की की आप बात कर रही हैं, शायद वो लड़की ही शिप पर है और वह अभी तक जिंदा है। तो वंदना भावुक होकर कहती है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आपके साथ चलूंगी। फिर वंदना, पृथ्वी, रियाज और प्रोफेसर जोशी शिप पे जाने का फैसला करते हैं और शिप पे पहुंच जाते हैं। उनका मकसद होता है कि वह उस वर्कर की लाश को जला दें ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और मीरा को उसके पास से छुड़ा लें। इसके बाद वह शिप पे वंदना को खड़े होने के लिए बोलते हैं और तीनों अंदर जाते हैं। वंदना को वह कहते हैं कि बताते रहना हमें कि कहाँ पर जाना है। इसी बीच वंदना को अपनी बेटी मीरा दिखाई देती है। वह वहाँ से शिप के अंदर आ जाती है और तमाम घटनाएं होती है प्रोफेसर जोशी के साथ और पृथ्वी के साथ। इसके बाद पृथ्वी को पता चलता है कि वंदना ने ही उस वर्कर का कत्ल किया था जिससे वह प्यार करती थी, और इसी का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा आज भी वंदना को वहाँ पे बुला रही थी, जिसका जरिया उस आत्मा ने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी के द्वारा उसने वंदना को वहाँ पर बुलाया। इसके बाद वर्कर का भूत वंदना के सामने आ जाता है और वंदना सब कुछ सच सच बताने लगती है कि कैप्टन से ये बात छुपाने के लिए कि उसके पेट में उस वर्कर का बच्चा है, इसीलिए उसने उस वर्कर को मार दिया था। लेकिन वंदना बोलती है कि तुम मेरी गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को क्यों दे रहे हो, इसे छोड़ दो। लेकिन उस वर्कर की आत्मा गुस्सा होकर वंदना को मार डालती है। इतने में पृथ्वी आता है और ये सब रोकना चाहता है, लेकिन उसका गला पकड़कर वो वर्कर का भूत हवा में उसे उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर जोशी वहाँ पर आते हैं। वे अपने मंत्र बोलने लगते हैं लेकिन उस वर्कर के भूत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद पृथ्वी ऊपर देखता है तो वहाँ उसे वर्कर की लाश दिखाई देती है जो काफ़ी सालों से वहाँ टंगी हुई थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो किस तरीके से इस लाश को जलाए। वर्कर का भूत प्रोफेसर जोशी को भी बहुत दूर फेंक कर मारता है। विक्की कौशल यानी पृथ्वी के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वह उस कुल्हाड़ी से उस भूत के ऊपर वार करता है, लेकिन उसके आर पार होने के बाद वह कुल्हाड़ी नीचे पानी में जाकर गिरती है, जिसकी चिंगारी की वजह से आग लग जाती है क्योंकि पूरे शिप पर डीजल फैला हुआ था। आग इतनी तेज होती है कि वह उस वर्कर की पुरानी बॉडी को छू लेती है तथा वह बॉडी जलकर राख हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह इसके बाद पृथ्वी वहाँ से उस छोटी बच्ची को मीरा को लेकर बाहर निकलता है और अपने घर लेकर आता है, और इस तरह इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में काफ़ी सारी हॉरर फिल्में बनी हैं, लेकिन तकरीबन सब फिल्मों में एक ही जैसे चीज़ें दिखाई गई हैं। अक्सर हम लोग चाहते हैं कि हमें हॉरर फिल्म में कुछ अलग देखने को मिले। शायद ये फिल्म उस पर भी अभी खरी नहीं उतर पाई है, क्योंकि शीशे का टूटना, कांच में चुड़ैल का दिखाई देना और भी जितनी भी घटनाएं हम काफ़ी वक्त से देखते आ रहे हैं फिल्मों में, यकीनन ऐसा होता है। बीच बीच में इस फिल्म की कहानी ये दर्शा रही थी कि शायद ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में कुछ सीन ऐसे थे जो बड़े ही दिलचस्प थे, जैसे उस लड़की का अचानक से विक्की कौशल के सामने आना और उसके दोस्त को भी उसकी आत्मा का दिखाई देना एक साथ। इससे वह समझ चुका था कि शायद वो लड़की ज़िंदा है जो किसी के चुंगल में फंसी है। और भी काफ़ी ऐसे सीन थे फिल्म में, लेकिन दूसरी फिल्मों के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो यह अब तक की शायद बॉलीवुड की सबसे अच्छी हॉरर फिल्म में इसका नाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जो एक फिल्म पर आधारित थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक हॉरर कंटेंट अपलोड करते हैं और हर संडे एक हॉरर वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ईशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।